आज के स्टूडियो में आपको कैसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक महीने में 27% के रिटर्न दिए हैं। और तो और मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर आपको 12-15% तक के रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं, आप लोगों को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी के शेयर का नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। और करंटली अगर आप इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 99 रुपीज के आसपास। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वेश्वर फूड्स के शेयर्स के करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपीज के आसपास। वहीं पर अगर आप रिटर्न्स को देखेंगे तो एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स ने अब तक 14% के रिटर्न जनरेट किए हैं। वहीं पर अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने 27.58% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग सर्वेश्वर फूड्स के शेयर्स को एक महीने के टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सर्वेश्वर फूड्स ने 21.40% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको 12-15% के रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को और समझते हैं कि क्या आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का एक वर्थ ऑप्शन हो सकता है जहां पर आप 12-15% के रिटर्न कमा सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे। अब जैसे कि यहां पर आप कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख रहे हैं, यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू का अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी की नेट इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो करते जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की नेट इनकम थी 5.24 की। वहीं पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये हो चुकी है 7.79 की। मतलब 2 साल में काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ हुई है। और वहीं पर अगर आप अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी इंक्रीज होते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ईपीएस का अमाउंट था 1.28 का। वहीं पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखेंगे तो ये अमाउंट ग्रो करके हो चुका है 3.08 का। कंपनी ने अभी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तब यहाँ पर कंपनी का डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर का जो अमाउंट है वो 0 ही है। अगर आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को थरली ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। जहाँ पर इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ 14% से ज्यादा निकल कर आती है वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 7.67% की ही है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर भी गिरते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था सिर्फ 0.86% का। वहीं पर अगर आप करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.76% का। मतलब शार्प 0.10% का डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। और अगर आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो असेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में और फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यू सेम थी। लेकिन वहीं पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखेंगे तो कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यू 455 और 451 की थी। मतलब यहाँ पर पिछले 2 साल के कंपैरिजन में ये वाले 2 साल में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यूज भी इंक्रीज होते जा रही हैं। और वहीं पर अगर आप कंपनीज के करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे तो कंपनीज के करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू भी कंपैरेटिवली ग्रो करते जा रही है। सेकंड चीज, अगर आप कंपनी के नॉन करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनीज की नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले सिर्फ 1.03 की थी लेकिन अब ये कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ के 40.12 की हो चुकी है। अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उस कंपनी की लाइबिलिटीज इंक्रीज होते जा रही है लेकिन असेट की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो में फ्री कैश फ्लो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के फ्री कैश फ्लो का रेशियो निकल कर आता है -11.82 का, वहां पर इस कंपनी का एवरेज रेशियो निकल कर आता है -1.98% का। मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले तो फ्री कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा है लेकिन अगर आप लोग फिगर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि फिगर्स जो है वो माइनस में है और किसी भी कंपनी के फ्री कैश फ्लो का माइनस में होना एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। इसके बाद अगर आप कंपनी के नेट चेंज इन कैश को देखेंगे तो कंपनी का नेट चेंज इन कैश है -0.36 का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है, वो है -9.63 का। इसके बाद अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट पॉजिटिव में है और वो भी है 0.16 का, बहुत ही कम है। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन में। और सबसे पहली चीज देखेंगे कंपनी की वैल्यूएशन को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा तो नहीं है लेकिन इस इंडस्ट्री कैटेगरी में बाकी जो दो कंपनी है उसके कंपैरिजन
सीजन में इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, और वहीं पर अगर आप पीबी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो पीबी रेशियो आपको सबसे कम मिलेगा। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी को देखेंगे तो वोलेटिलिटी आपको सर्वेश्वर फूड्स के शेयर्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर इंडस्ट्री का मैक्स टू मैक्स एवरेज निकल कर आता है 42% का, वहीं पर इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी 55% के आसपास की है। करंटली इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे थे और इसी वजह से मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी कि नहीं देगी, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कहती है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के 57.84% शेयर्स को होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 0% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप FIS के स्टेक को देखेंगे तो FIS का स्टेक 2.50% का है, रिटेल अंडर कैटेगरी ने मिलकर यहाँ पर 39% का इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर स्पेसिफिकली रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने 9.80% स्टेक को ओन किया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा है, यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देते हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना कुछ खास नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास ज्यादा शेयर्स हैं और तो और अदर पार्टीज के पास ज्यादा शेयर्स हैं, और सबसे खास बात तो ये भी है कि 9.80% शेयर्स होल्ड किए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ने। अगर मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स में फ्लक्चुएशन लाना है तो यहाँ पर 9.80% के शेयर्स भी काफी है इस चीज के लिए। ओवरऑल इस कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल्स मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगे हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग यहाँ पर 6% के आसपास के रिटर्न भी नहीं कमा पाएंगे, और अगर कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी नहीं होती है तब यहाँ पर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका सेफ नहीं होगा, यहाँ पर आपको सारे अमाउंट पर लॉसेस हो सकते हैं। देखो करंटली मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट नहीं होते हैं, या अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को निकालना भी चाहेंगे तब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जहां पर देखा जाता है कि एक सर्टेन लेवल पर आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस कंपनी के शेयर्स को आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में उस कंपनी के बायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या उस कंपनी के साथ ऑपरेटर्स बहुत सारे स्कैम्स करते हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस कंपनी के शेयर्स से आपको दूर रहना है। इसके अलावा मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, अगर आप लोग उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी होती है और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।